और ये कैसे बनाया गया है, और यदि इसका आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं? देखो, क्या कम बजट के अंदर कितने से रोजगार स्टार्ट? हमारे यहाँ 20,000 से लेके 50,000 तक का बजट है, जो कि मशीन लगाइए लाखों लाख कमाइए। और प्रोडक्शन की बात किया तो कितना प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन एक दिन में मान के चलिए हमारी तो इसमें 20,000 का प्रोडक्शन है डेली। कोई ये मशीन लगाना चाहता है तो पहले उनकी एरिया कितनी होनी चाहिए? आजमगढ़ प्लांट लगवा चुके हैं, बनारस में लगाए हैं, अभी प्रतापगढ़ का जस्ट आर्डर है मेरे पास। हमारी कूलर की भट्टी है जिसमें माल को पकाया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। फिर बिजनेस लगाएंगे तो कहीं लॉस में ना चले जाए तो कितना आसपास में कमाई होता होगा? कि इतना कम पैसे में इतना बड़ा रकम, इतना बड़ा अमाउंट कैसे कमाएं, ये सोचा नहीं हमारी और आपकी सोच से कहीं 10 गुना ज्यादा। तो एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आपको हम बताते चले कि लोग कहते हैं कि मिट्टी सोना होता है, और ये मिट्टी का सोना आज हम सच में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मिट्टी आखिर सोना कैसे होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास 20,000 का बजट है, 30,000 का बजट है, तो छोटे बजट के अंदर हम बेहतर रोजगार कैसे चालू करें। आजकल आप लोग देखते होंगे कि हर कोई, चाहे हम किसी भी चौराहे पे जाते होंगे, किसी भी नुक्कड़ पे जाते होंगे, तो हमको एक कुल्हड़ के अंदर चाय मिलती होगी। वही कुल्हड़ के बारे में आज हम सारा बिजनेस बताने वाले हैं। आज हम आपको सीधे फैक्ट्री में लेकर आ गए हैं। गोरखपुर से महज आपको कुछ ही दूर पे गीडा आपको देखने को मिलेगा, और गीडा में सेक्टर नंबर 13 में आपको हम लेकर आ गए हैं अमर उजाला वाले रोड पे, यहाँ पर पूरी फैक्ट्री दिखाने के लिए। अभी ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कुल्हड़ जो है मिट्टी से बनाया गया है, और ये कैसे बनाया गया है, और यदि इसका आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम सारे जो हैं कुल्हड़ मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं, इनको सुखाने के लिए भी बाहर रखा गया है। ये देखिए, ये सारी डाइयाँ हैं, कुल्हड़ की हैं, लस्सी की हैं। बाकी हम सारा डिटेल आज बात करने वाले हैं वीडियो में, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और हम लेकर आ गए हैं कान्हा इंटरप्राइजेस में, गोरखपुर के अंदर गीडा में। तो आइए लेके चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, सारी मशीनें लाइव चल रही हैं अंदर, उसको हम दिखाते हैं, और इसी बिजनेस के बारे में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि कितना एरिया आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लगाएंगे, कितना खर्च आएगा, सब कुछ बताएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कान्हा इंटरप्राइजेस के ओनर। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। आपका शुभ नाम? पंकज सिंह। अच्छा पंकज जी, ये बताइए सर कि आपके यहाँ कंपनी में कौन कौन सी मशीनें सेल होती हैं? हमारे यहाँ कंपनी में पेपर प्लेट मशीन बनाई जाती है, कुल्हड़ की मशीनें बनाई जाती है, नूडल्स की मशीनें बनाई जाती है, ऐसे तमाम मशीनें हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लघु उद्योग से रिलेटेड सभी प्रकार की मशीन, रिलेटेड सारी मशीन बनाई जाती हैं। जी। बात की जाए आज के वीडियो में, जो लोग चाहते हैं कम बजट के अंदर रोजगार शुरू करना, काफी क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो क्या कम बजट के अंदर कितने से रोजगार स्टार्ट? हमारे यहाँ 20,000 से लेके 50,000 तक का बजट है, जो कि मशीन लगाइए लाखों लाख कमाइए। जैसे कुल्हड़ मशीन लगाइए, 20,000 से स्टार्ट है, जो कि 50,000 तक की मशीनें हैं, मात्र 20,000 रुपए से। जी, और एक दिन में 3,000 का प्रोडक्शन है, मतलब अगर एक या दो मशीन रखते हैं तो 6,000 की प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन से आप डेली का डेली सेलिंग अच्छा है मार्केट में, उसके लिए बेचने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस से लोग बुकिंग चल रहा है। क्या बात है। अच्छा सर, इस समय हम किस जगह मौजूद है, थोड़ा सा एड्रेस? आप 0 नंबर पॉइंट से अमर उजाला वाले रोड पे, जब 0 नंबर से 100 मीटर अंदर आएंगे अमर उजाला रोड पे, तो यहाँ पे कान्हा इंटरप्राइज पड़ता है, जो कि हमारी कंपनी है। बिल्कुल। तो अभी दोस्तों हम कंपनी के बाहर खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरी फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर ही हम शुरुआत करेंगे सर। ये इसमें बात की जाए तो कितने सेटअप की मशीनें आती हैं? इसमें 4 तरह की मशीन आती है। एक मिट्टी पीसने वाली मशीन आती है, एक मिट्टी को क्रीम बनाने वाली मशीन आती है, एक जो कुल्हड़ बनाती है वो मशीन आती है, बाकी उसमें एक आध मशीनें और हैं जिसे बनाया जाता है, फिर कुल्हड़ बनाया जाता है, लस्सी बनाया जाता है, उसके बाद प्लेट चाउमीन प्लेट बनाया जाती है, 12 इंच की प्लेट बनाई जाती है, बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट है। जी जी जी, आगे देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले हमारे पास ये जो सामने मशीन देखने को मिल रही है, ये कौन सी मशीन होने वाली है? एस इंडिकेटर है, इसका अंदर मैं न्यू दिखा दे रही हूँ, काफी दिन से काम चल रहा है यहाँ पे। हमारा कुल्हड़ बनता भी है और कुल्हड़ की मशीनें भी बनती है। यहाँ पर इस मशीन से मिट्टी की पिसाई होती है। देखिए मिट्टी देख सकते हैं कितने, देख लीजिए मिट्टी पाउडर की तरह एकदम पूरा मिट्टी रहने वाला है। इसकी मिट्टी देखिए एकदम पाउडर बना देती है। ये मशीन हमारे ही कंपनी से बनाई गई है, खुद यहाँ यूज हो रहा है। क्या बात है। यहाँ पर यदि आप आएंगे तो लाइव भी दिखा दिया जाएगा। जी आइए, आप लोगों को कंपनी के अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकेंगे तमाम सारे कुल्हड़ का प्रोडक्शन हुआ है। सर थोड़ा सा अंदर बताइए कि कौन कौन सी मशीन? कुल्हड़ बना के तैयार किया गया, ये हमारी कुल्हड़ की भट्टी है जिसमें माल को पकाया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। फिर ये देखिए, उसके बाद कुल्हड़ की हमारी मशीनें, एक पार्ट वो भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है अभी। जी जी जी, करंट में देखिए पकमील बोलते हैं, मिट्टी को क्रीम बनाने वाली मशीन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
क्या बात है। आइए दोस्तों आप लोगों को आगे लेके चलते हैं जहाँ पर कुल्हड़ बनाई जाती है। अब ये मशीन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप लगा सकते हैं इस फैक्ट्री को, आज हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। अच्छा भैया इसमें बात की है, यदि कोई ये मशीन लगाना चाहता है तो पहले उनकी एरिया कितनी होनी चाहिए? उनकी एरिया कम से कम 1000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट में ये पूरा फैक्ट्री लग सकता, बड़े आराम से लग जाएगी जी। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, हमारे यहाँ कुल्हड़ बन रहा है। ये हमारे वर्कर हैं, अभी शाम हो गया इसी वजह से एक ही वर्कर यहाँ पे, बाकी नहीं तो 8-10 वर्कर काम करते हैं डेली का। हमारे यहाँ 15 से 20 हज़ार की प्रोडक्शन होती है। अच्छा अच्छा, और सारा माल बिक जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कुल्हड़ बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार के साँचे आते हैं भैया? इसमें साँचा 200 तरह के साँचा है, जिस तरीके का आप बनाते हैं। अगर कुल्हड़ बनाते हैं, नहीं तो लस्सी बनाते हैं, या तो आप फिर 6 इंच का प्लेट बनाते हैं, 12 इंच का प्लेट बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, कुछ जो बनाना चाहेंगे इसमें सारी डाइयाँ मिलती हैं, और सारी डाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, जो ये मशीन है ये कौन सी मशीन है? ए जी और जोली बोलते हैं, ये भी हमारे यहाँ मिल जाएगा जी। यहाँ कुल्हड़ रिलेटेड सारी मशीन मिलती हैं। अच्छा, जो मशीन आपको मिलेगा वो सारी मिल जाएगा। हम आजमगढ़ प्लांट लगवा चुके हैं, बनारस में लगाए हैं, अभी प्रतापगढ़ का जस्ट आर्डर है मेरे पास, 2-4 लोगों का और आर्डर पड़ा हुआ है। यहाँ आपके बगल पाली में लगाए हुए हैं, खैलाबाद लगाए, बस्ती लगाए, अभी बस्ती आज मैं कुछ विजिट करके आ रहा हूँ प्लांट बैठवा के। अच्छा अच्छा जी। अच्छा भैया ये जो अभी चल रहा है इसमें मोटर यूज हुआ होगा जी, तो कितने एचपी का मोटर? 2 एचपी का मोटर है। तो बिजली खर्च कितना आता होगा? बहुत नॉर्मल, एक दिन की मान के चलिए 100 रुपया। 100 रुपया एक दिन का जी, बस। क्या बात है। और प्रोडक्शन की बात की है तो कितना प्रोडक्शन होता? प्रोडक्शन एक दिन में मान के चलिए हमारी तो इसमें 20,000 का प्रोडक्शन है डेली। अच्छा अच्छा, इसमें ये सिंगल ही मशीन आती है कि 2-3 प्रकार की? टेबल ही एक आता पूरा, कैसे कह रहा था? सिंगल मशीन है, इसके बाद एक और मशीन आती है जो टेबल पे बनता है। अच्छा, जिसको कम बजट में करना और टेबल पे बैठवा काम करते हैं जी। टेबल पे भी मशीनें बन जाती हैं। तो इसका छोटा सेटअप भी आता है, बड़ा सेटअप भी आता है? वो लोग कंपनी पे जो जिनको लेना होगा वो आएंगे तो सारा डिटेल दिया जाएगा। प्रोसेस जानते हैं कि आखिरकार ये कूलर जो है कैसे बनता है, तो आइए हम थोड़ा दिखाते हुए चलें जी भैया। मिट्टी को देखिए, मिट्टी वहाँ क्रीम बनाया गया है, ये लड़का है ये जो मिट्टी को क्रीम बन गया है, उसके बाद कूलर बना रहा है। देखिए कूलर बन के तैयार है, कूलर बन रहा है। अच्छा, इसको सुखाया भी जाता होगा? ये सूख जाता है 2-3 घंटे में, गर्मी के सीजन में 2-3 घंटे में सूख जाता है, बाकी अदर सीजन में थोड़ा सा टाइम लगता है, धूप में सुखाना पड़ता है, कोई इसके लिए समस्या नहीं होती। उसके बाद भट्टी में पकता है तब माल तैयार होता है। अच्छा, ये माटी मिक्स करने के लिए कोई कोई जरूरत नहीं? कुछ कोई माटी मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, माटी जो खेत की मिट्टी है बस उसी को चाल के लाइए करिए, केवल बालू वाली मिट्टी ना हो बाकी चलेगा। अच्छा अच्छा, बाकी आइए हम बताते हैं कि काली मिट्टी है या तो चिकनी मिट्टी लाइए, ये सब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मिट्टी थोड़ा सही हो, बालू वाली मिट्टी ना हो, देखिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? ये मिट्टी को बना रहे हैं, इसको मतलब मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, मिलाने के बाद इस मशीन में पड़ता है। अच्छा, मशीन से फिर क्रीम बन के निकल जाता है। अच्छा, इसमें मिलाया जाएगा और इससे क्रीम बन के निकलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये पूरा मिट्टी को मिक्स कर देती है। इसमें भी मोटर लगा रहता है ना भैया? हाँ, मोटर लगा है। कितने एचपी का मोटर है? 2 एचपी का मोटर है। और मशीन के अंदर गारंटी वारंटी की बात की जाए तो क्या? 1 साल की वारंटी है, जो भी रहेगा 1 साल की वारंटी है जी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मिट्टी पीसने वाली मशीन बन के तैयार है जी। ये मशीन क्या काम करती है? मिट्टी पीसने के, अभी पेंट नहीं हुआ है, मिट्टी को पीसना। देखिए सारी मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेपर प्लेट मशीन हुआ या सिंडिकेटर वो मिट्टी को क्रीम बनाने वाली मशीन हुआ, कूलर रिलेटेड और पेपर प्लेट रिलेटेड सारी मशीन उपलब्ध है। अच्छा, जो लोग मशीन को खरीदते हैं तो क्या उनको भी कुछ इस तरह से भट्टा वट्टा बैठाना पड़ेगा? सब कुछ हम बैठवा देते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं सारी प्लांट का सेटअप दे देता हूँ। थोड़ा सा आइए हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर पकाया जा रहा है। देखिए ये माल बन के तैयार है, ये तो बन चुका है, अब इसको खाली कराना है। ये माल देखिए खाली हो गया, फिर से इसको लगाया जा रहा है कि इसको फिर से माल पकाया जाएगा जब इसको भरा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा भैया, इसके अंदर कमाई की बात की जाए तो कितना मार्जिन आता होगा इसके अंदर भैया? कमाई का मान के चलिए, मिट्टी रॉ मटेरियल है जो कि मिट्टी खरीदना नहीं है, मिट्टी खरीदना नहीं है तो लेबर कास्ट जो भी है वही बस है, मान के चलिए 30% खर्चा है, बाकी आप जो बनाए उसका आपको प्रॉफिट है। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो अच्छी कमाई होती है? अच्छी, कम कोई कितना कमा, कम पूंजी में बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, कम पैसा लगा के और नो रिस्क नो लॉस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आप काफी सारे कस्टमर का ये प्लांट बैठाए हुए हैं तो कस्टमर से एक तरह से पता चला। साल से हमारा प्लांट खुद चल रहा है। यदि ये कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है जैसे कि फर्स्ट टाइम है उनका और सारी चीजों की तो ट्रेनिंग दी ही जाएगी, लेकिन उनको एक आइडिया नहीं हो पाता है कि आखिर बिजनेस लगाएंगे तो कहीं लॉस में ना चले जाए, तो कितना आसपास में कमाई होता होगा इसका? कमाई देखिए अमाउंट एक ऐसे
पब्लिक पैलेस पे नहीं बताया जा सकता है जी। लेकिन अमाउंट इतना ही जानिए कि कम पैसे में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मतलब हमारी आवश्यकताएँ जो उससे कहीं ज़्यादा है, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना कम पैसे में इतना बड़ा रकम, इतना बड़ा अमाउंट कैसे कमाएं, ये सोचा नहीं, हमारी और आपकी सोच से कहीं 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, बाकी दोस्तों यदि आप ये मशीन लेना चाहते हैं, इसका पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ये देखिए भैया, पूरा तरह से तैयार मटेरियल आपको दिखा रहे हैं, अब ऐसे तैयार हो जाता है। अच्छा भैया, कोई मार्केटिंग में किसी को दिक्कत आ रही है, वो माल बना ले रहा है, नहीं सेल कर पा रहा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस? नहीं सेल कर पाएगा, ऐसा कोई तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाकी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, जितना संभव है उससे ज़्यादा कहीं सपोर्ट करें। बाकी दोस्तों, आप ये पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या आप गांव से हो या शहर में हो, कहीं भी ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो भैया के नंबर पे एक बार कॉल करिएगा, ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप इसकी फैक्ट्री लगाएंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा इस फैक्ट्री के अंदर, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी हमारा एक बिजनेस आइडिया था, एक आइडिया देने का काम था कि हाँ आपको इस जगह पे ये चीज़ें मिल जाने वाली हैं, और कम बजट के अंदर काफ़ी कॉल भी आया हमारे पास कि नीतीश भाई, एक कम बजट के अंदर कुछ रोज़गार बताइए, तो हमको लगा कि हाँ ये रोज़गार आप तक पहुँचाना चाहिए, ये बेहतर रोज़गार था। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी भाई चाहते हैं हमारा भी कम बजट के अंदर एक बेहतर रोज़गार शुरू हो पाए, उन तक ये वीडियो जाए और वो कहीं इधर उधर भागे ना, और जैसे कि जाते हैं दिल्ली मुंबई वगैरह तो वहाँ पर ना जाने की ज़रूरत पड़े, अपने गोरखपुर शहर से ही वो बेहतर रोज़गार शुरू कर सकें। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।